मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मूवी सूर्यवंशी का ट्रेलर हुआ आउट। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मच अवेटेड मूवी सूर्यवंशी का ट्रेलर कल आउट हुआ। इस ट्रेलर में हम अक्षय को कॉप के रोल में देख सकते हैं, वही कैटरीना को उनकी वाइफ का रोल निभाते देख सकते हैं। डायलॉग्स इस ट्रेलर में काफी अच्छे हैं। वही इस ट्रेलर में जैकी श्रॉफ और जावेद जाफरी भी नजर आए इम्पोर्टेंट रोल्स में। इसके अलावा रणवीर सिंह और अजय देवगन भी ग्रैंड एंट्री करते हुए ट्रेलर में दिखे गए, जिसने ट्रेलर को और भी ज्यादा अच्छा बना दिया। वहीं अक्षय, रणवीर और अजय की बॉन्डिंग ट्रेलर में काफी बेहतरीन दिख रही है। मूवी के ट्रेलर में एक्शन भी जबरदस्त दिखाया गया है। एज रोहित शेट्टी की फिल्म में जब तक कार ना उड़े तब तक वो इनकम्प्लीट ही रहता है। बागी 3 का एक और सॉन्ग हुआ ड्रॉप। टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 3 का बस काफी ज्यादा बना हुआ है। इस मूवी के ट्रेलर से लेके सॉन्ग्स काफी हिट जा रहे हैं। अभी रिसेंटली रिलीज हुई सॉन्ग डू यू लव मी, जिसमें दिशा पाटनी नजर आई, काफी ज्यादा हिट हुई है। वहीं कल टाइगर श्रॉफ ने अपना जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन के ओकेजन पर टाइगर ने इस फिल्म से एक और गाने की अनाउंसमेंट की, गेट रेडी टू फाइट। ये गाना आउट हो चुका है। इस गाने में हम टाइगर को फुल ऑन स्टंट्स करते देख सकते हैं। टाइगर ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया। टाइगर के साथ साथ इस मूवी में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, जो टाइगर के साथ बागी 1 में थी। वहीं दिशा पाटनी, जो बागी 2 में थी, इस मूवी में सिर्फ एक डांस नंबर करती नजर आएंगी। वॉर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये टाइगर की अगली फिल्म है, जिससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं। कृति सेनन ने कराया परमानेंट टैटू। एक्ट्रेस कृति सेनन करंटली मूवी मिमी में काम कर रही हैं। इस मूवी के लिए कृति ने 15 kg वेट भी पुट ऑन किया है। कृति ने हाल ही में एक पिक पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम पर। इस पिक में वो अपनी बैक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। बैक में हम पर्पल पिंक कलर का एक टैटू देख सकते हैं, पर ये टैटू पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा। वहीं इस पिक को पोस्ट करते हुए कृति ने कैप्शन दिया, द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू #inked। फैंस इस पिक को देखकर वंडर कर रहे हैं कि ये क्या टैटू हो सकता है, या कोई डिजाइन या कोई वर्ड्स। वहीं कृति के इस टैटू का रिवील करने का सबको इंतजार है। कृति के मीमी से शूट से उनका बेबी बम्प वाला पिक भी सामने आया था कुछ टाइम पहले, जो वायरल हो गया था इंटरनेट पर। अनन्या पांडे और ईशान ने की साथ शॉपिंग। एक्ट्रेस अनन्या पांडे और ईशान खट्टर को हम नेक्स्ट मूवी खाली पीली में देखेंगे। इसके कुछ लास्ट शूटिंग के बिट्स बचे हैं। शूटिंग करने के साथ साथ ईशान और अनन्या ने काफी अच्छी बॉन्डिंग भी कर ली है। हाल ही में दोनों को एक पार्टी में साथ में आते देखा गया। वहीं अब दोनों को साथ में शॉपिंग करते हुए भी देखा गया है मुंबई में। दोनों ने यहाँ कैजुअल आउटफिट्स पहने। अनन्या ने ओवरसाइज टॉप पहना, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। दोनों को मूवी के शूटिंग के अलावा साथ में गाला टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा जा रहा है। अब ये फ्रेंडशिप है या फिर कुछ और, ये तो अनन्या और ईशान ही बता सकते हैं। सोनम कपूर का डीवा फोटोशूट आया सामने। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन सोनम कपूर डिफरेंट आउटफिट्स में नजर आती हैं, जिसमें वो काफी गॉर्जियस लगती हैं। वहीं सोनम कपूर को अलग अलग फोटोशूट्स करवाते देखा जाता है। सोनम का स्टाइल एलिगेंट और ब्यूटीफुल के साथ साथ क्लासी भी माना जाता है। वहीं सोनम ने रिसेंटली फोटोशूट करवाया, जिसकी पिक्स शेयर की है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर। इन पिक्स में हम सोनम को काफी टाइम बाद खुले बाल में देख सकते हैं। सोनम ने इन पिक्स में मेजेंटा कलर का ड्रेस पहना है और इसे पेयर किया है एमरल्ड कलर के नेकलेस के साथ। फोटोज में सोनम किसी स्टाइल दीवा से कम नहीं लग रही हैं। सोनम को लास्ट मूवी जोया फैक्टर में देखा गया था। हीरोपंती 2 की रिलीज डेट हुई आउट। टाइगर श्रॉफ बिजी चल रहे हैं बागी 3 के प्रमोशंस में, एज उनकी पिछली फिल्म वॉर ब्लॉकबस्टर रही थी, तो उस लेवल को मैच करने के लिए वो पूरी जी जान लगा रहे हैं। लोग टाइगर की मूवी बागी 3 के लिए सुपर एक्साइटेड ही थे कि टाइगर ने इसी बीच एक और मूवी की अनाउंसमेंट कर दी। ये और कोई मूवी नहीं बल्कि हीरोपंती का सीक्वल है। टाइगर ने हाल ही में इस मूवी के 2 पोस्टर्स भी शेयर की। अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है।
ये मूवी 16 जुलाई 2021 को रिलीज हो रही है। अब तक इस मूवी की फीमेल एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं आया है, ना किसी को अप्रोच करने की न्यूज सामने आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस मूवी में कोई न्यू कमर नजर आ सकती हैं। वरुण धवन ने चढ़ाई फोटोग्राफर के ऊपर कार। डायरेक्टर शशांक खेतान के बर्थडे पर कई बॉलीवुड एक्टर्स नजर आए, वही वरुण धवन भी अपने बद्रीनाथ फिल्म मेकर के बर्थडे बैश पर पहुंचे, लेकिन एक्सीडेंटली वेन्यू पर पहुंचते वक्त उन्होंने एक फोटोग्राफर के पैर पर अपनी कार चढ़ा दी। वहीं पूरा क्राउड इसके बाद काफी शोर मचाने लग गया। वरुण ने बाद में कहा कि वो हमेशा फोटोज क्लिक करवाते हैं, लेकिन जब वो कार से आते हैं फोटोग्राफर्स काफी आगे आ जाते हैं पिक्स क्लिक करने, जबकि वरुण कहते भी हैं कि पीछे हो जाओ। इसके बाद वरुण को फोटोग्राफर को विजिट करते हुए भी देखा गया। इस फोटोग्राफर को कोई मेजर इंजरी नहीं आई, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऋतिक रोशन करेंगे हॉलीवुड मूवी। ऋतिक रोशन काफी हाई चल रहे हैं अपने करियर में, एज वो बैक टू बैक दो सुपर हिट्स दे चुके हैं, एक सुपर 30 फिर वॉर। दोनों के सक्सेस को खूब इंजॉय कर रहे हैं ऋतिक, वहीं उनके स्पेक्टैकुलर परफॉर्मेंस को भी काफी अप्रिशिएट किया गया। ऋतिक को फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड ना मिलने पर ऑडियंस काफी नाराज हो गई। वही ऋतिक के कई प्रोजेक्ट्स के रूमर्स भी सामने आ रहे थे, जैसे क्रिश 4, लेकिन अब रिपोर्ट्स वहीं बता रहे हैं कि ऋतिक का कुछ और ही प्लान है। ऋतिक अपने होराइजन्स और भी ज्यादा फैलाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं हॉलीवुड फिल्म में। वही बात हुई है कि ऋतिक को एक कैलिफोर्निया बेस्ड एजेंसी ने एक फिल्म ऑफर की है और ऋतिक को ये ऑफर काफी पसंद भी आया है, बस अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है। सूर्यवंशी के ट्रेलर लॉन्च में कैटरीना का ऑरेंज ड्रेस। सूर्यवंशी का ट्रेलर कल आउट हुआ और इसी ट्रेलर के लॉन्च पर इस मूवी की स्टार कैटरीना कैफ पहुंची ऑरेंज ड्रेस में। इस ड्रेस में कैटरीना कैफ काफी सुंदर, फ्रेश और स्टनिंग लग रही थी। एक डे टाइम इवेंट के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहा। वही कैटरीना ने कोई एक्सेसरीज ना पहनकर बिल्कुल राइट डिसीजन लिया। इस लुक के कई पिक्स इंटरनेट पर सामने आई हैं, जो वायरल हो रही हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है कि कैटरीना के पिक्स वायरल हो रहे हैं, एज वो हर लुक में हॉट लगती हैं। इलियाना डिक्रूज ने शेयर करी अपनी बिकिनी पिक्चर्स। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज हाल ही में मालदीव्स पहुंची थी वेकेशन मनाने। हालांकि वो वापस आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने मालदीव्स ट्रिप से फोटोज पोस्ट कर रही हैं। उन्होंने सीरीज ऑफ पिक्स डाली है जिसमें हम उनको बीच पर ब्लैक बिकिनी में देख सकते हैं। इन पिक्स में इलियाना काफी खूबसूरत लग रही हैं, साथ ही वो अपनी टोन बॉडी भी फ्लॉन्ट करती हुई यहाँ नजर आई। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कट। Now buy Shake Chili's official merchandise only on the Sold Store. Coffee mugs, school and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Shake Chili merchandises. Hurry up!